Xiaomi ने 2021 की अपनी बेस्ट गेमिंग डिवाइस अनाउंस कर दी है, जो कि है Xiaomi Mi 11 Ultra। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी स्पेसिफिकेशन और एक्साइटिंग फीचर्स के बारे में, जो भी हमें Xiaomi ने Xiaomi Mi 11 Ultra में प्रोवाइड किए हैं। अब Xiaomi ने Mi सीरीज़ के काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन अनाउंस किए हैं, जहाँ पे Xiaomi Mi 11 है, Mi 11 Lite है, Pro है, Ultra है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ Xiaomi Mi 11 Ultra के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन हम इस फ़ोन को बाकी डिवाइसेस के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब बाकी Samsung वगैरह की डिवाइसेस के साथ, कि आपको और कोई डिवाइस लेनी चाहिए या Xiaomi Mi 11 Ultra ही परचेज करना चाहिए। तो ये फ़ोन Xiaomi Mi 11 Ultra स्पेशली अनाउंस किया गया है गेमर्स के लिए, और एक बहुत ज़्यादा अच्छी डिवाइस मानी जा रही है गेमर्स के लिए। तो अब हम यहाँ चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्रंट साइड पे Xiaomi Mi 11 Ultra में 6.8 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिल रही है, जहाँ पे फ्रंट साइड पे पंच होल में सिंगल ही कैमरा है, जो कि 20 मेगापिक्सल का है, और उसकी जो पिक्चर रिजल्ट है वो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे आ रहा है। और बैक साइड के भी जो कैमराज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, जहाँ पे आपको ट्रिपल कैमराज का सेटअप देखने को मिल रहा है। और जो बैक साइड पे फर्स्ट कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, सेकंड है अल्ट्रा वाइड कैमरा 48 मेगापिक्सल का, और थर्ड कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का टेली फोटो लेंस है, जहाँ पे आपको अप टू 5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग जूम है। और बैक साइड के भी कैमरा क्वालिटी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। अब Xiaomi Mi 11 Ultra गेमिंग स्मार्टफोन के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा स्मार्टफोन भी माना जा रहा है, जो कि ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके अलावा कुछ फीचर्स जो Xiaomi ने हाईलाइट किए हैं Xiaomi Mi 11 Ultra के, वो ये हैं कि आपको इस Mi 11 Ultra में फ्रंट साइड पे AMOLED स्क्रीन देखने को मिल रही है, जो कि स्पेशली गेमर्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब आईज़ वगैरह को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता AMOLED स्क्रीन के साथ। उसके बाद आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब फिर वही है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ स्क्रीन होगी। लेकिन एक बात जो थोड़ी मुझे बुरी लगी है कि इंटरनेशनली मार्केट में Mi 11 Ultra अनाउंस किया गया राउंड अबाउट $1200 की प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कैमरा में 4K का ऑप्शन नहीं दिया गया। बाकी स्मार्टफोन में आपको इससे लो प्राइस रेंज के अंदर भी 4K का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे Xiaomi Mi 11 Ultra में 1080p में आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 60fps के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। ओवरऑल नाइट मोड वगैरह भी कैमरा का बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर हम डिटेल में बात करें, Xiaomi Mi 11 Ultra दो वेरिएंट्स में आ रहा है, एक है 8GB के साथ और एक है 12GB रैम के साथ। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज जो है वो है 512GB और 256GB। अब रैम और इंटरनल स्टोरेज आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 12GB की ही तरफ जाएं। और आपको साथ ही एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, जो कि है चिपसेट। चिपसेट बहुत ज़्यादा वाकई ही अच्छा दिया जा रहा है Xiaomi Mi 11 Ultra में, जो कि है Snapdragon 888 का चिपसेट। अब ये मार्केट का अपर लेवल चिपसेट है, और इसकी अच्छी बात ये है कि आपको हीटअप का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता, और ये चिपसेट बैटरी कंजप्शन भी बहुत कम करता है, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं करता, और परफॉर्मेंस वाइज तो मार्केट का बेस्ट चिपसेट है। आमतौर पर पबजी वगैरह के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा चिपसेट माना जाता है। उसके बाद आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन लॉन्च होना है 11 अप्रैल से पहले पहले, मतलब ऑलमोस्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में लॉन्च होगा, तो आप जब लोग ले लें उसके बाद ही आप परचेज करें, क्योंकि Xiaomi जो कर्व स्क्रीन दे रही है वो शायद फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि वैसे भी Xiaomi के जो स्मार्टफोन है पहले जो लॉन्च हुए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ग्लिच और बग्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे फोल्डेड यहाँ पे कर्व स्क्रीन में भी शायद
कोई मसले आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की। और उसके अलावा आपको Xiaomi Mi 11 Ultra में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है और साथ फास्ट चार्जर का भी स्पोर्ट है, जो कि कंपनी ऑफिशियली क्लेम करती है कि अगर आप फ़ोन को चार्ज करते हैं 0 to 100 तो आप विद इन 1 hour फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो थे सारे ओवरऑल स्पेसिफिकेशन और फीचर्स Xiaomi Mi 11 Ultra के, जो कि वाकई ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एज अ गेमिंग फ़ोन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और एज अ कैमरा फ़ोन भी। लेकिन क्योंकि 1200 की प्राइस रेंज है और अगर आप Samsung की तरफ जाएं इसी प्राइस रेंज के अंदर, तो आपको थोड़े से और भी अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जिस टाइम पे ये लॉन्च हो रहा है Xiaomi Mi 11 Ultra, तो ये भी एक ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन ही माना जा रहा है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जब ये लॉन्च हो जाए उसके बाद काफ़ी दिनों बाद ही आप परचेज़ करें, क्योंकि काफ़ी पहले भी फ़ोन्स आए हैं जिनमें ग्लिचेस और बग्स वगैरह होते थे। तो दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।